तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आप बताएं। ऑपरेटिंग सिस्टम सर, वेरी नाइस। इट हैज अ वेरी एसेंशियल सिस्टम। इट एक्ट एज अ मिडलमैन बिटवीन यू एंड कंप्यूटर पार्ट्स। वेरी नाइस। कोई ऐसा बच्चा है जो अपने शब्दों में इसको बताया? कोई ऐसा बच्चा है जो इसको मतलब अपनी लैंग्वेज में बता सके, जो पूरी क्लास को इसका मतलब पता चल सके? अब बताओ किसान। मिडलमैन की तरह करता है और हमारी और मतलब बहुत हेल्प करता है हमारी और कंप्यूटर की कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद सर ये इसके बेस्ट एग्जांपल है सर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर, जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसने सर मैन्युफैक्चर की हुई है सर। वो मल्टीनेशनल कंपनी जो है उसका नाम क्या? अमेरिका। नाइस नाइस, गो अहेड, बताओ। और और इसकी एग्जांपल क्या क्या आपको बता सकते हैं मुझे? इसके वर्जन वगैरह? It act as a middleman between user and computer system. What do you mean by computer system? अच्छा मुझे बता सकते हो most of the people use MS Windows. ऐसा क्यों है? बहुत सारे लोग जो MS Windows use करते हैं। और version क्या होता है? इसमें different tools, different features जो हैं। आपको बताया था ना लाइक फूड खाना है ना, हम जाके ऑर्डर करते हैं और वेटर क्या करता है? उस ऑर्डर को लेता है। भी जो काम करता है कौन करता है? वो खाना आएगा ना तो हम उसको खा पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर सिस्टम चलता है। इट एक्ट एज अ मिडलमैन बिटवीन यूजर। विंडोज 11 है, विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, विंडोज Vista है, विंडोज XP है। ये इसके क्या क्या है? डिफरेंट वर्जन है। बता सकते हो आप मुझे? यस सर। क्या होता है MS Word? माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद इसके कुछ बेसिक फंक्शन बताएं। इसका मतलब क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट को इतना इंटरेक्टिव बनाना, डिफरेंट कम्युनिकेट विद द डॉक्यूमेंट वी हैव क्रिएटेड ऑन आवर कंप्यूटर सिस्टम, उसको इतना इंटरेक्टिव, इतना डिफरेंट साइज है, तो ये इंटरेक्टिव हो गया। नहीं ऐसे लग रहा है जैसे हम इसकी ऐसा बात कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या है? मतलब हमने डिफरेंट ग्राफिक्स जो है, डिफरेंट शेड जो है, इसमें हमें अप्लाई किया है। तो ये बता रहा है कि Thank you.
स्टेप वाइज लिखो और उसके डिफरेंट डिफरेंट फोन को डिफरेंट डिफरेंट कह दो उसके करो, ठीक है। चुप हमारे उनको
Thank you.